वेलकम टू एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल। एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में देखते हैं TGT वर्ष 2016 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। आपको बता दें, चैनल पर अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं सभी के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप सभी वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, इससे पता चलता है एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेयरी मिल्क प्रोडक्शन। फादर ऑफ वाइड रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर दो। फुट एंड माउथ डिजीज खुरपका मुहपका रोग होता है वायरस द्वारा। क्वेश्चन नंबर थ्री। भैंस का दूध अच्छा स्रोत है कैल्शियम और फास्फोरस का। क्वेश्चन नंबर फोर। अंधकार अभिक्रिया होती है, तो अंधकार अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में, प्रकाश अभिक्रिया होती है ग्रेना में और अंधकार अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में। क्वेश्चन नंबर फाइव। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई? सही आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से 2012 के मध्य चली थी। क्वेश्चन नंबर छः। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? सही आंसर है 19 फरवरी 2015, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सात। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अधिनियम कहलाता है, तो राइट टू फूड भोजन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर आठ। पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य परत का गैसीय आवरण कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एटमॉस्फियर वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर नाइन। सोनो जुताई भारत में सर्वप्रथम डॉट 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 के अंतर्गत शुरू की गई? सही आंसर है चावल गेहूँ फसलीय प्रणाली, राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर टेन। मृदा का लाल रंग होता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट के कारण। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 11। वह फसलीय प्रणाली जिसमें खेतिहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ले फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 12। अकियोची धान में एक विकार किसके कारण होता है? सही आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिसिटी, हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता के कारण अकियोची डिजीज डिसऑर्डर धान में होता है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित दलहन फसलों में से किसका लक्षण धीमी आरंभिक वृद्धि दर है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिजन पी अरहर। अरहर का वैज्ञानिक नाम कैजनस कजान, फैमिली लेगुनेसी या फेबेसी। अरहर को रेड ग्राम या तूर भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था अरहर को क्या कहते हैं, तो आंसर था उसमें रेड ग्राम ऑब्लिक तूर। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी तिलहन फसल को अप्रत्याशित दलहन के नाम से जाना जाता है? अनप्रडिक्टेबल लेग्यूम्स। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का वैज्ञानिक नाम एरिकस हाइपोजिया, फैमिली लेगुमिनेसी या फेबेसी। सोयाबीन, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। और अलसी, अलसी का वैज्ञानिक नाम लाइनम यूसीटेट्समम। और सूरजमुखी वैज्ञानिक नाम हेलियंथस एलुएंस, फैमिली कंपोजिटी। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी तिलहन फसल के पौधे के पृष्ठ पर कांटे होते हैं? सही आंसर कुसुम, कुसुम की फैमिली कंपोजिटी। क्वेश्चन नंबर 16। नत्रजन का कौन सा रूप यूरिया में उपलब्ध होता है? सही आंसर एमाइड फॉर्म, एमाइड को NH2 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17।
सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप को अनुपलब्ध पोषक तत्व में बदलने की क्रिया कहलाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निसंचालन, इमोबिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18, जैव पदार्थ अपघटन का अंतिम उत्पाद है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमस। ह्यूमस का रंग काला होता है। वर्ष 2002 TGT वर्ष 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था ह्यूमस का रंग कैसा होता है, तो ब्लैक होता है, ब्राउन और ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी जीन नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निफ जीन। वही नोरेंटेन जो कि गेहूं के बोनेपन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, वाष्पोत्सर्जन के दौरान अधिक होगा। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन डॉट डॉट के दौरान अधिकतम होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दोपहर। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी सिंचाई प्रणाली को उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रिकल मेथड, टपक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 22, दूर दूर स्थित फसलों, बगीचों के वृक्षों और सब्जियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो सिंचाई विधि। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ड्रिप इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 23, समुच्च खेती की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, समतल स्थलाकृत भूमि। क्वेश्चन नंबर 24, अवरोध बांध डॉट डॉट के लिए बनाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाटर हार्वेस्टिंग और नलका पर्दन नियंत्रण। ए और बी, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार की मक्खियों में डंक होते हैं। तो जो बरकर क्वीन होती, बरकर मधुमक्खियाँ होती हैं, उनके उनमें डंक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, टमाटर की पत्ती सिकुड़न बीजाणु का वाहक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाइट फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 27, गुणवत्तापूर्ण बीज से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, सीड क्वालिटी पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 28, आलू बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में देश का कौन सा अंचल उभरा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर मैदानी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 29, सभी विमोचित और अधिसूचित किस्में जो बीज उत्पादन श्रृंखला में हैं वह कहलाती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेफरेंस वैरायटी, संदर्भ किस्म। क्वेश्चन नंबर 30, पार्थिवो कार्पिक फल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीडलेस फ्रूट, इसमें आ जाएगा बनाना। बनाना में फार्थोनोकार भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, ऐसे फल जिनमें बीज नहीं बनता उन्हें फार्थोनोकार भी फ्रूट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गांठ गोभी का भोज मोटा भाग डॉट डॉट का बड़ा हुआ रूप है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टेम। क्वेश्चन नंबर 32, ऑपरेशन फ्लड से संदर्भित है। ऑपरेशन फ्लड मिल्क प्रोडक्शन संबंधित है। दुग्ध क्रांति, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वैज्ञानिक है वर्गीज कुरियन। वाइट रेवोल्यूशन 1917 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, ओंगोल की एक किस्म। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गाय की किस्म। क्वेश्चन नंबर 34, दुग्ध शर्करा है तो लैक्टोज मिल्क शुगर है। क्वेश्चन नंबर 35, उच्चतम प्रकाश संश्लेषण डॉट 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 लाल प्रकाश में होता है। लाल प्रकाश, रेड लाइट में हाइएस्ट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 36, ATMA आत्मा योजना द्वारा प्रायोजित की जा रही है। आत्मा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित की जा रही है। आत्मा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 37, तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की मुख्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आईसो पॉम टीबीओस नमूप, अप्रोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के भी समझौता है। तो अनुबंध कृषि उत्पादक और प्रायोजक कंपनियों, प्रोड्यूसर्स और स्पॉन्सर्ड कंपनियों के भी समझौता है।
क्वेश्चन नंबर 41, किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सर्वाधिक होती है? आंसर ऑप्शन नंबर डी चिकनी दोमट क्लेलोम। क्वेश्चन नंबर 41, गीली जुताई करने के संदर्भ में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह मृदा संरचना सुधारता है, इट्स इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 42, जुताई में परिणत होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, घटा हुआ स्थूल घनत्व, डिक्रीज बल्क डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 43, धान की मृदा में वायु रहित वातावरण डॉट द्वारा उर्वरक नाइट्रोजन की गैसीय हानि के उत्तरदायी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डी नाइट्रिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 44, खाने के उद्देश्यों के लिए मक्का की हरी गुल्ली की प्रयोग करने की सर्वोत्तम अवस्था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नरम लोई सॉफ्ट टफ स्टेज। क्वेश्चन नंबर 45, अरहर को सामान्यता कहते हैं? आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और कई जगह एग्जाम में एसएससी रेलवे एनटीपीसी कई जगह क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया, अरहर का वैज्ञानिक नाम या अरहर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तुआर पीजनपी रेडग्राम या तूर। क्वेश्चन नंबर 46, अलसी का कौन सा लक्षण उसके पेंट पुताई और छपाई में प्रयोग के लिए अनुकूल है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फास्ट ड्राइंग, जल्दी सूख जाती है इसलिए अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, माइकोराइजा डॉट लेने में सहायता करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 48, पोखर धान खेतों में प्रयुक्त उर्वरकों से नत्रजन की हानि कम करने के लिए यूरिया उर्वरकों को डॉट के रूप में प्रयोग करना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस्ड जोन में। क्वेश्चन नंबर 49, वाणिज्यिक रूप से यूरिया उर्वरक में बायोरेट परसेंट डॉट से अधिक नहीं होना चाहिए? सही आंसर है कॉमर्शियल में बायोरेट की मात्रा 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, जैव कार्बन मात्रा को .. गुणनखंड के गुणा करके जैव पदार्थ ज्ञात किया जाता है तो 1.72 फैक्टर से गुणा करके जैव पदार्थ को ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, क्षेत्र जल उपयोग क्षमता फील्ड वाटर यूज इफिशेंसी इज इक्वल टू तो यील्ड अपॉन वाटर रिक्वायरमेंट उपज बटे जल मांग, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 52, मृदा जल विभाव .. द्वारा मापा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, टेंसियोमीटर पृष्ठ तनाव मापी न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी और दाब तस्तरी यंत्र उपरोक्त। क्वेश्चन नंबर 53, मृदा और पादप पृष्ठ से जल की कुल हानि कहलाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एवपोट्रांसपायरेशन बाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 54, जल स्तर को मापने के उपकरण है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाटर टेबल को पिजोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाटरशेड एरिया जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 56, एक कीट के शरीर के 3 अंग होते हैं सिर वक्ष और उदर या पेट हेड थोरेक्स एंड एब्डोमन। इंसेक्ट का शरीर 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है सिर वक्ष और उदर। क्वेश्चन नंबर 57, बाजरे में स्मट रोग है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सीड बॉर्न डिजीज। क्वेश्चन नंबर 58, मृदु रोमल आस्था एक .. है तो सीड एंड सॉइल बॉर्न डिजीज। क्वेश्चन नंबर 59, अनुपूरक परागण सामान्यता .. में बीज समुच्च को बढ़ाने के लिए किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सूरजमुखी। क्वेश्चन नंबर 60, जल्दी बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण क्विक सीड बायबिलिटी टेस्ट इज तो किसके द्वारा किया जाता है? टेट्राजोलियम
टेस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, आम में नियमित फलन के लिए कौन सा वृद्धि विनियामक रेगुलेटर संस्तुत किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पैक्लोबुट्राजोल। क्वेश्चन नंबर 62, सब्जियां अच्छा स्रोत है विटामिन्स का, सब्जियां विटामिन्स का अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 63, डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को फ्लैंक्स पर काटा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेड राइप स्टेज। डिब्बाबंदी कैनिंग के लिए टमाटर को लाल पकी अवस्था पर काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर, यह मतलब तुलाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 64, पशु एवं भैंस परिवार से आते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो गाय और बफेलो बोबिडी फैमिली से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गाय के दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, रेंडरफेस्ट किस के कारण होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 67, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर रॉन्ग, इसमें कोई भी आंसर नहीं है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, 12 जुलाई 1982। SBI की स्थापना 1955 में हुई। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चिन्ह में कौन सी फसल का चित्र है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने लोगो देखा होगा ICER का, तो उसमें गेहूं का मार्क बना होता है। क्वेश्चन नंबर 70, पश्चिमी घाट के ढलान पर वर्षा का प्रकार? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय ऑरोग्राफिक। क्वेश्चन नंबर 70, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 71, पादप वृद्धि अवधि और ताप के बीच संबंध कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती डिग्री दिवस, ग्रोइंग डिग्री डेज। क्वेश्चन नंबर 72, अंतरासस्यीय क्रियाओं का अर्थ के लिए है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रॉइंग बीट्स, जो इंटरकल्चर ऑपरेशन की जाती हैं, निराई गुड़ाई सभी खरपतवार को डिस्ट्रॉय करने के लिए की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मृदा पर पपड़ी जमना .. में एक समस्या? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अल्फी सॉल्स। क्वेश्चन नंबर 74, दालों को फसलीय प्रणाली में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे, ऑप्शन नंबर डी, उर्वरता पुनर्भंडारक फसलें होती हैं, फर्टिलिटी रिस्टोरर क्रॉप्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 75, जो में एक प्रसिद्ध वस्तु है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, माल्टिंग एंड ब्रीविंग इंडस्ट्री, या रस और शराब उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है बारले का। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सी दलहन फसल को शाकाहारी मांस कहा जाता है? वेजिटेबल मीट। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, काउपी लोबिया। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा सामान निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः सफेद सरसों रेपसीड को दर्शाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरसों और तोरिया। क्वेश्चन नंबर 78, पूर्ण उर्वरक कंप्लीट फर्टिलाइजर
का अर्थ है ऐसे उर्वरक जिनमें तीनों प्राथमिक पोषक तत्व तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास उपस्थित हो, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 79, KCl पोटेशियम साइनाइड को कहते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रूट ऑफ पोटास, इसमें 60% पोटास होता है। क्वेश्चन नंबर 80, नाइट्राइट का नाइट्रेट रूप में परिवर्तित करने में शामिल सूक्ष्म जीव है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 81, केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फार्मूला है CSO4 × 2H2O। क्वेश्चन नंबर 82, डाइकार्सी लाइज रिलेटेड टू फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पोरस मीडियम, पोरस मीडियम से जो लिक्विड का फ्लो होता डाइकार्सी ला इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्युमुलेटेड इन प्लांट बॉडी ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस के दौरान प्लांट बॉडी में संचित होता है प्रोलीन। क्वेश्चन नंबर 84, ट्रांसपायरेशन इज बाष्पोत्सर्जन क्या है, वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट सरफेस, पौधे की सतह से जो पानी का लॉस होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 85, अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर इन सॉइल, मृदा में उपलब्ध जल की अपर लिमिट क्या है, तो फील्ड कैपेसिटी क्षेत्र क्षमता। क्वेश्चन नंबर 86, एग्रोस्ट्रोलॉजी का अध्ययन है, एग्रोस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87, कीट विज्ञान से संदर्भित है, एंटोमोलॉजी रिफर्स टू, तो कीट विज्ञान कीटों के अध्ययन से संबंधित है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, गन्ने में डेड हार्ट के कारण होता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टॉप बोरर, जिसे सुगरकॉर्न टॉप बोरर भी बोलते हैं, इसमें ऊपर से आधा डंठल कट कर दिया जाता है जिससे ऊपर की पत्तियां सूख जाती है, जिससे ऊपर का पोर्शन मुरझा जाता है और उसे डेड हार्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, माइकोलॉजी डॉट के अध्ययन से संबंधित, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी माइकोलॉजी के अंतर्गत फंगस की स्टडी की जाती है, वहीं फाइकोलॉजी के अंतर्गत सवाल की और बायरोलॉजी के अंतर्गत वायरस के और बैक्टीरियोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया के। क्वेश्चन नंबर 90, वह पौधा जो मुख्य फसल से थोड़ा विचलित होता है ऑफ टाइप प्लांट्स कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 91, वे बीज जिनमें भ्रूण पोष नहीं होता है उसे एल्ब्यूमिन रहित बीज, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, एक परिपक्व और बीज वाली पक्की अंडाशय से संदर्भित है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फल से संदर्भित है। क्वेश्चन नंबर 93, मार्मलेड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संतरा, मार्मलेड नींबू वर्गीय फल संतरा आदि से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सी सब्जियां चिनोपोडियम परिवार से आती हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पालक, आलू का कुल सोरेनेसी, शकरकंद का कनबोलवेसी और भिंडी का मालवेसी। क्वेश्चन नंबर 95, खीस कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए, पिलाना के लिए आवश्यक, सही आंसर डिजीज रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधी क्षमता पढ़ाता है खीस। क्वेश्चन नंबर 96, पशु प्लेग इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है रिंडरफेस्ट वायरस के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 97,
गाय से भ्रूण का निष्कासन कहलाता है। तो गाय इसको घुमा के पूछा गया, इसको इस तरह से ही पूछ सकते हैं, गाय को गाय के ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो काल्विंग, बच्चे देने की क्रिया को काल्विंग। वही सुअर के फेरोइंग, बकरी के किडिंग। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित पौधों में से किसकी प्रकाश श्वसन उच्चतम है? सही आंसर है फैडी। क्वेश्चन नंबर 99, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर इटली रोम, स्थापना 1945 में। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंध संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट स्थित है? सही आंसर रायपुर छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 102, मेघ बीजन क्लाउड सीडिंग की सहायता से किया जाता? सही आंसर सिल्वर आयोडाइड, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन। तो कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड की, इसका फॉर्मूला होता है AgI। क्वेश्चन नंबर 103, एक सेकंड, मृदा के बड़े छिद्र सामान्यता .. सिवर होते हैं? तो मृदा के बड़े छिद्र सामान्यता मैक्रोस्पोर्स, एयर और वाटर दोनों से भरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, वह मशीन उपकरण जो संरक्षण कृषि में प्रयुक्त नहीं होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रोटावेटर। क्वेश्चन नंबर 105, कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना क्या कहलाता? सही आंसर है मोनोक्रॉपिंग, एकल फसली कृषि। क्वेश्चन नंबर 106, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीड्स मूल निकलते समय, क्राउन रूट इनिटेशन, जो कि डे आफ्टर सोइंग 20 से 21 दिन बाद होती है। क्वेश्चन नंबर 107, डोजा और इटली जैसे भोज्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मुख्य घटक के रूप में प्रयोग की जाती है? सही आंसर ब्लैक ग्राम, उर्द। क्वेश्चन नंबर 108, अफ्लाटॉक्सिन समस्या निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल में सर्वाधिक प्रबंध है? सही आंसर है अफ्लाटॉक्सिन मूंगफली में पाया जाता है, एक प्रकार का पॉइजन होता है। क्वेश्चन नंबर 109, सरसों के पौधे की फली क्या कहलाती? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिलकुआ। क्वेश्चन नंबर 110, पौधों को पर्याप्त और उपयुक्त अनुपात में पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की मृदा की अंतर्निहित विशेषता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक पूर्णतया भारत में बाहर से आयात किया जाता है? तो जो भी पोटेशियम फर्टिलाइजर होते हैं सभी का बाहर से इम्पोर्टेशन किया जाता है इंडिया में, क्योंकि भारत में पोटेशियम उर्वरक का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 112, माइकोराइजा पौधे के किस भाग से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूट, जड़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार अधिकतम जल धारण करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चिकनी मृदा। क्वेश्चन नंबर 114, जल दबाव परिस्थितियों के अंतर्गत सबसे पहले निम्नलिखित में कौन प्रभावित होता? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कोशिका विभाजन और दीर्घीकरण। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किस फसल को अधिक जल चाहिए? मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट होती है गन्ना की, शुगर कैन। क्वेश्चन नंबर 116, पादप जल स्थिति से निम्नलिखित में कौन सा संबंधित नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनफिल्ट्रेशन रेट। क्वेश्चन नंबर 117, भारी मशीनरी के प्रयोग द्वारा मृदा दृढ़ता, ऑप्शन नंबर ए सही है, मृदा अपरदनता को बढ़ाता है, इंक्रीज सॉइल इरोडेबिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 118 सार्वजनिक मृदा हैराज समीकरण यूएलएसई यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन द्वारा प्रस्तावित की गई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिच मेयर। क्वेश्चन नंबर 119 कीटक कुटकी नाशी के विरुद्ध उपयुक्त होता है तो माइट्स एकेरिसाइड माइट्स के अपोजिट प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणु जनित रोग है वायरल डिजीज है पोटैटो मोज़ेक वायरस। क्वेश्चन नंबर 121 गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में वांछित न्यूनतम पृथक्करण दूरी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए उर्वीय अनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए अधिमिश्रण रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 122 सूरजमुखी के बीज कहलाते हैं सूरजमुखी के बीज एकेन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सीड डिस इन्फेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 124 जो कि इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फलों में उपस्थित सबसे मीठी शर्करा तो फलों में उपस्थित सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है मूली की देर से कटाई का परिणाम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पिथिनेस। मूली को देर से कटाई करते हैं तो खोखलापन हो जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।